सुकमा जिला मुख्यालय पहुंचे भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री केदार कश्यप ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए कांग्रेस और प्रदेश सरकार पर जमकर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि कांग्रेसियों में आपसी वर्चस्व की लड़ाई चलते ही छिरम घटना हुई है। वहीं जब मुख्यमंत्री और कांग्रेस के नेता मंचों पर बोल रहे थे तो उनके पास सबूत नहीं था, तो आज 4 साल हो गए हैं। उनका कहना है कि सबूत कहाँ है और छिरम में शहीद हुए नेताओं की याद में बनाए गए मेमोरियल भी भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गए हैं। कांग्रेस की कार्यप्रणाली को जनता समझ चुकी है और आगामी चुनाव में भाजपा की जीत तय होगी। भ्रष्टाचार सामने उजागर हो रहे हैं, सरकार में बैठे हुए लोगों का संरक्षण ऐसे तत्वों के साथ पे है। कल जो पुलावरम का विषय आया, ये कहीं ना कहीं से सरकार में बैठे हुए लोगों का सबसे बड़ा फेलवर है, सरकार में बैठे लोगों का सबसे बड़ा संरक्षण है। सौम्या चौरसिया जो मुख्यमंत्री जी के निज सचिव हैं, विशेष सचिव हैं, और समीर बिश्नोई जैसे लोगों को जो भ्रष्टाचार की चरम पार कर चुके हैं, जो हमारे छत्तीसगढ़ को बेचने का काम कर चुके हैं, जो हमारे यहाँ के संसाधनों का दोहन करते हैं, उन लोगों को कांग्रेस की सरकार, जिन पर ईडी ने सीधा सीधा आरोप लगाया है, ईडी के आधार पर उनको जेल हुई है, ऐसे लोगों के साथ में कांग्रेस पार्टी खड़े दिखाई देती है, जिसके कारण से निचले स्तर पर उनके अधिकारियों का हौसला बुलंद है और वो लगातार भ्रष्टाचार की एक से एक कार्रवाई कर रहे हैं। सूरजपुर की घटना हो, चाहे परलकोट की घटना हो, या फिर हमारे सुकमा में जिस तरीके से अवैध टेंडर हो रहा है और उसके माध्यम से जो यहाँ पर इनके जो पीपी कमीशन है, पीपी मतलब पिता पुत्र का जो कमीशन है, वो कमीशन सर चढ़कर कलते हैं बोल रहा है, और यहाँ पर कमीशन खोरी के चलते पूरा सुकमा आज फिर से पुराने उसमें आ गया है। यहाँ पर विकास के नाम की कोई चीज़ नहीं है। यहाँ पर मंत्री जी केवल हेलीकॉप्टर में घूम करके निकल जा रहे हैं, कभी सड़कों का दौरा करें यहाँ से लेकर के जगदलपुर तक का। यहाँ पर जब वो थे, जब विपक्ष में थे तो रोपाई करते थे, आज वो कहाँ चले गए।